तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक के बाद हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की, देखिए। भाजपा की विस्तृत कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई है, मेरे साथ पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु हैं। कैप्टन साहब, आज एक बड़ी बैठक हुई है, अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है, क्या कहेंगे सर? आज भारत के गृह मंत्री, लोह पुरुष और इस देश के संविधान से धारा 370 को हटाने वाले अमित भाई शाह जी ने पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी में लगभग 5000 कार्यकर्ताओं के अंदर एक जबरदस्त जोश, उत्साह और उमंग का संचार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि अक्टूबर के अंत तक, जब तक हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना लेते, चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, रात को सोएंगे नहीं। इस बार सर 10 में से 5 सीट आप जीत पाए हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा भी है, तो आज अमित शाह जी का ये विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में आना, ये जो है वो आप मानते हैं कि अब कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह उसी तरीके से होगा जैसा 2014 में या फिर 2019 में था सर? निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे। जो ये थोड़ा सा नींद से जागने का काम हुआ है, जब ठोकर लगती है तो आदमी और संभल करके चलता है और मजबूती से चलता है, हम और मजबूती से कदम बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है सर कि आप पहले जो लोकसभा में हाफ हुए, अब साफ हो जाएंगे, खासतौर पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं सर। अरे वो ये अपने परिवार की राजनीति में उलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया और थोड़े दिनों के अंदर वो हरियाणा प्रदेश से ही साफ हो जाएंगे। वो पहले विपक्ष साफ किया, फिर उन्होंने कांग्रेस साफ करी, एक परिवार मात्र वो बचा है, उसके साथ कोई नहीं बचा है।